अमेजोन कंपनी प्रोडक्ट सेलिंग का काम दिलाने का आमिष देकर एक मैकेनिकल इंजीनियर को फंसाने का मामला सामने आया है। इस मामले में फरियादी के साथ 360,100 रुपए की ठगी होने की जानकारी अजनी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक ने दी है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अजनी में एक कुणाल गोविंदराव केलराल ने इन्होंने तकरार दिया था कि उनके अमेजोन प्रोडक्ट सेलिंग का जॉब करके उनको हर रोज 2,000 से 5,000 तक कमाई हो सकती है। उसके लिए उनको कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ वहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे, तो और पैसे भरने के बाद उनको जो बोनस मिलेगा वो उनके अकाउंट में जमा हो गया, ऐसा उनको बताया गया। इस हिसाब से उन्होंने टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से पैसे शुरुआत 200 रुपये से किए, 200 रुपये से करने के बाद इनको 100 रुपये का बोनस मिला जो कि वर्चुअल अकाउंट में उसका दिखा उसको कि मेरे पैसे जमा हो रहे हैं इसने, और उसमें टास्क कंप्लीट करते गया और कुछ पैसे जमा होने के बाद पैसे निकालने की कोशिश किया तो उन्होंने और बोला कि और टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे पैसे भर के, तभी आप पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा करते करते दिनांक 17/3/2022 से 23/3/2022 तक वो फिरियादी ने कुल 360,100 रुपये वहाँ पे भरा, लेकिन बाद में फिर वो लिंक बंद हो गई तो उसको बाद में पता चला कि अपने साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसकी अपने पास तकरार किया है उसने, उसके ऊपर से अपने गुनाह दाखिल किया। फिरियादी कुणाल गोविंदराव तेलरांदे ये एक स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर किया है उसने और उसके पिताजी का खुद का दुकान है किराने का। हम सब जनता से आह्वान करते हैं कि इस तरह से कोई भी ऑनलाइन आपसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, जॉब देने के लिए इजी मनी के लालच दे रहा है तो उसके बहकावे में न आते हुए इस तरह की कोई भी लिंक ओपन ना करें, किसी नंबर को अनवांटेड यानी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है तो उसको रिसीव ना करें, और करे भी तो उसको कोई जवाब ना दे और उसके ऊपर अगली व्यवहार ना करें। और साइबर के गुनाह भी बहुत बढ़ रहे हैं तो खुद डिजिटल पेमेंट के लिए सबने सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और इस तरह का कुछ भी आपको पता चलता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम विभाग को सूचित करना चाहिए। और जहां अगर आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो रहे या फिर कम पैसे निकाले जा रहे हैं तो तुरंत बैंक को सूचित करके अपना अकाउंट भी फ्रीज करवा लीजिए। ये यहाँ पे जो मोबाइल नंबर उसने हमको बताया है ये +63 बोले तो कहीं विदेश से का है नंबर, ऐसा पता चल रहा है इसमें।